टक्स कटक जो आजकल लोग बोलते हैं, या सब जगह अलग अलग चीजें दिखी आपको, जी या कॉमन थ्रेड दिखा कोई? बिहार में जाति का बहुत ज्यादा दिखा और युवा जो है वो फैक्टर कॉमन दिखा मुझे। देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण बताएं, उसके बाद पैनल में बहुत सीनियर लोग बैठे हैं जर्नलिस्ट, कि जैसे मिसाल के तौर पे पेपर लीक का मसला है यूपी में, सरकार बीजेपी की, पेपर लीक का मसला बिहार में भी है, सरकार निश्चित तौर से इस समय एनडीए की है, लेकिन पेपर लीक का मसला है और उससे पहले वहां पे सरकार आरजेडी और उसकी कंबाइन जेडीयू की, पेपर लीक का मसला बंगाल में भी है और पेपर लीक का मसला झारखंड में भी है। तो ये कॉमन है और युवा जो है जो बड़ा उत्साहित दिख रहा था 14-19 में, तो एकदम दिखता था कि क्या है, 24 में वो थोड़ा सा इस बात को लेकर मुझे दिखता है कि वो थोड़ा आक्रोश में है, और ये पंजाब के हिस्से में, यूपी में और हरियाणा का जो बिल्कुल बगल वाला है हिस्सा, उसमें भी वो ये कॉमन फैक्टर दिखता है जो मुझे सामने दिखाई पड़ता है, जो बहुत एग्रेसिव होके दिखाई भी पड़ रहा है। परफेक्ट प्रकोप भाई। प्रतीक जरा एक और हमारे वॉन्डरर हैं सज्जन जी, यही बहुत घूमते रहते हैं सज्जन जी। देश तो आपने नाप लिया एकदम, है ना, चारों दिशाओं को नापने के बराबर कर दिया है, क्या पता लगा आपको? देखिए जैसे जैसे आप देखेंगे तीसरे चरण के बाद से जो एक इनिशियली ये चल रहा था कि इस बार कुछ सरप्राइज हो सकता है, कुछ नया हो सकता है, अब चौथे चरण से आप देख लीजिए तो वही बातें आ रही हैं। आप स्टेट वाइज ले लें तो उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत अच्छी है पूर्वांचल की, वो आप देख ले, वो सरयू नदी, घाघरा नदी के उत्तर की तरफ जो गोरखपुर वाली बेल्ट ले ले या बनारस साइड की बेल्ट ले ले, एक घोषी सीट को छोड़ दें तो उसके अलावा बाकी सब जगह जो है स्थिति बीजेपी की अच्छी है। वहां पे राजभर जी हैं तो उनसे लेके कुछ नाराजगी है भाजपा के। बाकी आप बिहार में देख लें तो बिहार में निश्चित तौर पे जो एनडीए है उसको एक आंशिक नुकसान है, लेकिन बीजेपी जो अभी जिन सीटों पे मतदान होने जा रहा है उसमें बीजेपी की अपनी सीटें हैं, पाटलिपुत्र में रामकृपाल यादव है, उनकी स्थिति बेहतर है मीसा भारती से हमारे आकलन में। बक्सर की सीट फंसी हुई कही जा रही है, उसपे मुझे मेरा हंच कह रहा है कि अंत में शायद बीजेपी निकल जाए, लेकिन वो वहां पे क्लोज फाइट है। बंगाल में देख लीजिए, देखिए बंगाल में बीजेपी का बेस्ट परफॉर्मेंस छठे चरण तक हो चुका है, ये जो सातवां चरण है, और अभी मैं सुन रहा था, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि वहां पे सेंटिमेंट पॉजिटिव है, लेकिन डेमोग्राफी एक फैक्टर होता है। छठे चरण में मेदिनीपुर वगैरह, ईस्ट मेदिनीपुर में तामलुक, कांति, घाताल वगैरह, ये वो सीटें थी जो बीजेपी बहुत अच्छा, इस बार जो है इसमें नॉर्थ और साउथ 24 परगना और कलकत्ता की सीटें हैं। नॉर्थ और साउथ 24 परगना में जो डेमोग्राफी है वो बीजेपी को सूट नहीं करती है, उसमें माइनॉरिटी पॉपुलेशन सब्सटेंशियल है, बहुत जगह 40% से ज्यादा है या उसके आसपास है, तो ऐसी स्थिति में वो टीएमसी के पीछे लामबंद है। इसमें दो सीटें, और आपके यहाँ तो तीन सीटें जिसमें बीजेपी फाइट पे है, एक 12-7 है, दूसरा जो है नॉर्थ कोलकाता है और तीसरा दमदम है। दमदम बीजेपी के लिए मजबूत सीट मानी जा रही है, 12-7 में भी उम्मीद है, और नॉर्थ कोलकाता में बराबर की लग रही है। बाकी आप देख लें जितनी भी जगह दिखा रहे हैं वहां सेंटिमेंट काफी है, लेकिन डेमोग्राफी मुझे लगता है कि टीएमसी के गढ़ वाला एरिया है, तो बीजेपी का बेस्ट परफॉर्मेंस छठे चरण तक हो चुका है, इसमें शायद 1-2 सीट का फायदा हो सकता है बीजेपी की। ये सब सीटें बीजेपी के पास नहीं थी जो इस बार वो जीत सकती है। बाकी आप देख लें पंजाब की है, उसकी स्थिति अपनी जगह है, वहां पे बीजेपी 2-3 सीटों पे दावेदारी कर रही है, वो ठीक है। कुल मिला के आप देखिए तो स्थानीय फैक्टर, 10 साल के बाद 15 साल, जहां जहां कैंडिडेट आए हैं उनको लेके आपको शिकायतें जरूर मिलेंगी कि हाँ भाई कैंडिडेट अच्छा नहीं है, और उसका एक आध जगह पे शायद कुछ असर पड़े भी, लेकिन ओवरऑल अंत में लोग ये बोलता है कि देखो भाई मोदी जी को देख के हम लोग वोट कर दे रहे हैं। तो मुद्दे हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि युवा जो है वो अपना मुद्दा उठा रहे हैं कि जैसे बिहार में पिछले 5-6 साल में सरकारी वैकेंसी नहीं आई, तो ये सब बात उठा रहे हैं, लेकिन जब आप देंगे कि भाई क्या ये वोट में ट्रांसलेट कर रहा है, तो वहां पे अभी भी है कि राष्ट्रीय चुनाव है और प्रधानमंत्री मोदी जी की बात है, तो वो अभी भी एक बड़ा फैक्टर है। तो मुझे तो चौथे चरण, हमें ग्राउंड पे कंफ्यूजन कभी नहीं दिख रहा था, लेकिन नैरेटिव में भी देखिए तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है हमें लग रहा है 2019 के जैसा ही कुछ, उसी के जैसा हो, बहुत ज्यादा उस पर अभी आंकड़े नहीं देना चाहिए। तो मुझे कुल मिला के जो अभी सेंटिमेंट है वो बिल्कुल इनकम्बेंसी की तरफ दिख रहा है, और ग्राउंड में लोगों में ये चीज आ रही है कि हाँ ये एक मौका और है, वो मिलना चाहिए। अपोजिशन की तरफ से वोकल लोग जाता है, ये वो लोग हैं, मान के चलिए जो चाहे समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हो, चाहे राजद के सपोर्टर हो,
ये लोग वोकल लोग हैं, इनके सपोर्ट बेस काफी मजबूत हैं। लेकिन अगर जातियों के हिसाब से अगर आप डाइवर्सिटी देखें, चाहे पिछड़ों में, चाहे अग्रों में, चाहे दलितों में, तो उसमें आप देखेंगे कि चाहे समाजवादी पार्टी हो या राजद हो या इंडियन इंडिया गठबंधन का अलायंस बाकी जगह भी हो, उनकी संख्या समाज की जो डाइवर्सिटी है उसके हिसाब से देखो तो कमजोर है। और कुल मिला के मुझे इनकम्बेंसी के पक्ष में के चुनाव जाता हुआ दिख रहा है। ओके, दो हमारे जो वॉन्डरर हैं उन्होंने हमको बताया। अब दो लोग जो बहुत ही वरिष्ठ लोग हैं, रामकृपाल जी कैसा लग रहा है दोनों लोगों की बातें सुन के, आपको क्या समझ आ रहा है? देखिए, ये दोनों लोग यायावर हैं, ये जमीन से जुड़े हुए, मतलब घूम करके देख करके आए हैं, हम तो कमरे में बैठे हुए हैं, तो इनकी बात से बिल्कुल वो अपना अपना अनुभव बता रहे हैं। मैं कहता हूं कि बिल्कुल सही होगा, लेकिन जैसा कि दोनों ने एक बात को कहा, कोई स्पष्ट उस तरह का कोई, जैसे आप कहेंगे ना कि क्या एनडीए या फलाना, तो ऐसा नहीं। देखिए नीरज जी, मेरे पास, मैं आपके ओपिनियन पोल जब आपका आ रहा था तब मैं उसमें बैठा हुआ था, और बाकी चैनलों पे भी जो ओपिनियन पोल आए, आखिरी ओपिनियन पोल आया था 17 अप्रैल को, और 17 अप्रैल के ओपिनियन पोल का अगर पोल ऑफ द पोल्स ले तो करीब करीब 350 के आसपास एनडीए को कहा गया था, मतलब ये है। और मेरे पास उसके बाद इस जो एक महीना या 40 दिन हुआ है, इसमें न तो मेरे पास कोई ऐसा कोई फैक्ट या तथ्य आया है, ओपिनियन अपनी जगह है, लेकिन मेरे पास तथ्य कोई ऐसा है नहीं कि मैं उसको ना मानूं। अब 1 तारीख को एग्जिट पोल आएगा, केवल मैं अपने जो मैं बात कह रहा हूं दो बातें कहूंगा। मैं हमेशा तथ्यों पर ही बात करता हूं, और 2014, 17, 19 और 22 ये 4 चुनाव तो उत्तर प्रदेश में हुए, और अभी कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और बाकी दो यहां भी चुनाव हुए। अगर मैं एक एनालिसिस करूं इसकी और क्या समानता है, तो एक समानता मिलेगी कि 2014 से लेकर के 2024 तक या 23 तक कम से कम कह लीजिए, पिछड़ा वर्ग जो कि सबसे बड़ा होता है, जिसको कहते हैं कि आधा से काट दीजिए आधा अलग कर दीजिए, उसका जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसके सहारे बीजेपी 2014 से जीतती आ रही है, वो 14 में भी इंटैक्ट था, 17 में भी इंटैक्ट था, 19 में भी इंटैक्ट था, 22 में भी इंटैक्ट था, और मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ का अगर रिजल्ट एनालिसिस कीजिए तो वहां भी इंटैक्ट। और अब मुझे कोई कारण नहीं लगता है कि इस एक महीने के अंदर वो पिछड़ा वर्ग जो बीजेपी की कोर स्ट्रेंथ बन चुका है एक तरह से, वो बीजेपी से अलग हो गया है, मुझे इसका कोई प्रमाण नहीं है मेरे पास। और अगर वो बीजेपी के साथ है तो मुझे लगता है कि ये जो बात है, मैं सीटों पर तो नहीं जाता, लेकिन हालत यह है कि अगर वो बीजेपी के साथ है तो एनडीए को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। सीटें कितनी मिलेगी, नहीं मिलेगी। और एक बात जैसे विजय और अपने प्रतीक भाई ने कही, मैं हमेशा आपके चैनल पर भी ये बात करता था, कभी भी वोटर से अगर आप पूछने जाओगे तो वो सत्ता की बड़ी बुराई करता है, जो भी इस मौजूदा सत्ता होती है। 84 के चुनाव में चंद्रशेखर बलिया में जब भी रिपोर्टर जाता था सब कांग्रेस को गाली देते थे, सारे लोग कहते थे खेत में पानी नहीं है, नहर नहीं है, फलाना नहीं है, सब कांग्रेस को। और जब चुनाव आया तो चंद्रशेखर चुनाव हार गए, कांग्रेस का एक ऐसा कैंडिडेट जीत गया जिसके बारे में कुछ सोचते हैं। तो स्थिति अलग अलग होती है, लेकिन मेरा यह कहना है कि अभी तक जो भी ओपिनियन पोल आए हैं, मैं नहीं मानता कि सारे ओपिनियन पोल सत्ता के डर के नाते दिखाया गया है, मेरे पास तो कोई ऐसा नहीं, मैं भी बहुत समय तक वो प्रिंट में रहा हूँ और थोड़े समय तक टेलीविजन में भी रहा हूँ, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, और मैंने बहुत सारे ओपिनियन पोल दिए हैं जी, पब्लिश भी किया है, मुझे कहीं से दबाव नहीं आया था।